एक बार ना लॉजिस्टिक स्टॉक्स को देखते हैं. आज सुबह एक दो स्टॉक्स हमने देखे थे ओपनिंग में, जहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव था. अब देखिए, गेटवे पर अच्छा मूव देखने को मिला है. गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स इस समय ठीक मूव दे रहा है, करीब 3-1% के आसपास का मूव देखने को मिला है. गति थोड़ा सा टेपर ऑफ हो गया, इसने शुरुआत तो ठीक करी थी. ऑल कार्गो करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए. अब ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कोई ट्रिगर है यहाँ पर. आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसका फ्रैंकली इससे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं इस समय. लेकिन थोड़ा बहुत आज स्पॉट देखने को मिला है. नताशा, व्हाट्स योर टेक शॉर्ट टर्म के लिए? ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स जो हैं, वो टिपिकली काफ़ी जीएसटी की न्यूज़ को लेकर रिएक्ट करते हैं इन द पास्ट ऑल्सो. इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ 2016 हमने यही देखा है कि जितनी बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है या मीटिंग की कोई अनाउंसमेंट होती है, तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैव रन अप. लेकिन उनके फंडामेंटल्स में अभी तक कोई ऐसा मैसिव इम्प्रूवमेंट नहीं आया है. इनफैक्ट लॉजिस्टिक स्टॉक्स वी बिलीव एटलीस्ट इन दिस क्वार्टर कुड सी अ लॉट ऑफ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन अर्निंग्स गिवन द एंटायर डीमोनेटाइजेशन सिनेरियो. ऐसे सिनारियों में जो उनके वैल्यूएशंस हैं, वो काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं. इवन इफ़ यू आर लुकिंग एट अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव और इवन अ 1.5 ईयर पर्सपेक्टिव, 2-3 साल के हिसाब से प्रॉबली इट इज़ गुड. बट एज ऑफ नाउ द वैल्यूएशंस आर स्टिल स्ट्रेच्ड. जब तक फंडामेंटल्स में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, वी वुड प्रेफर टू बी स्टे अवे फ्रॉम द सेक्टर. विवेक गुप्ता भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं. विवेक, का इंडेक्स को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उससे तो कुछ मिल नहीं रहा. जो मिल भी रहा है, वो ऐसा मिल रहा है कि ट्रेडर्स अपनी एवरेज भी करने में थोड़ा मुश्किल पा रहे हैं. आप कुछ स्टॉक बताइए जो थोड़े बहुत पैसे बच गए हैं, ठीक है, उन्हीं स्टॉक्स में कुछ पैसा बना के अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं. मुनाफा तो हम वर्ड बोलना ही भूल गए. जी, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ा और वेट करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो नेटको फार्मा अच्छा लग रहा है. अगर नेटको फार्मा 600 के ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है 594 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 609 और 615 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो आज हिंडाल्को में गिरावट आई है और एक आरकॉम, दोनों के चार्ट देखिएगा. हिंडाल्को इस वजह से क्योंकि लगातार टूट रहा है. आज तीसरा ऐसा दिन है जिसमें हिंडाल्को में गिरावट है, 5% नीचे है. और आरकॉम कल डील के बाद सारा प्रॉफिट बुकिंग है. यॉर टूटिंग है क्या दोनों? देखिए, हिंडाल्को ने एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है डेली चार्ट्स में. मुझे लगता है एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है और थोड़ा करेक्शन और देखा जा सकता है. जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो 156 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए. 162 से लेकर 163 की रेंज में मिलता है तो सेल करना चाहिए 167 के स्टॉप लॉस साथ. और नीचे में 156 और 153 का लेवल देखा जा सकता है. जहाँ तक आरकॉम की बात करें तो आरकॉम में एक रिलीफ रैली आई थी, लेकिन ओवरऑल आरकॉम का ट्रेंड काफ़ी बेरिश है. डेली चार्ट्स को देखें तो अभी भी लगता है कि इसमें सेल करके ही चलना चाहिए. नीचे में 34 तक के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं. अब तो क्रिसमस भी काफ़ी नज़दीक है निपुण. पहले यू नो मार्केट वॉज लिविंग इन सम होप कि सैंटा रैली टाइप कुछ देखने को मिलेगा. बट इस बार वो सैंटा की जो फील ही नहीं आ रहा कि सेंटर भी आएगा ही नहीं आएगा. उनकी गाड़ी आएगी इस तरफ, आई नहीं उनकी गाड़ी. अब अगली उम्मीद जो दूसरे सेंटर हैं उनसे हैं, दैट इज़ मिस्टर जेटली, कि ये शायद कुछ प्री बजट रैली टाइप क्रिएट कर दे यहाँ पर. इसकी संभावना दिख रही है क्या आपको? Well, I think a pre-budget rally is something which we've often seen. खास करके ये पूरी डिमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज हुई है, उसके बाद फॉलोअप स्टेप्स क्या लिए जाते हैं टैक्सेशन पर, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल टैक्सेशन पर, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पर, और इस पर काफ़ी निर्भर होता है इंडियन कैपिटल मार्केट्स का मूवमेंट. और अगर इसमें कुछ कैपिटल गेन्स पे भी पर्टिकुलरली अच्छी टिप्पणी आ जाती है, पॉजिटिव एक आइदर लोअरिंग ऑफ टैक्सेस या चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एसटीटी, ये सब आ जाता है. तो एक वाइल द ओवरऑल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इज वेरी मिनिमल, लेकिन एक पॉजिटिव इसमें सेंटिमेंट जरूर बिल्ड होता है. सो आई थिंक फ्रॉम अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट इज वन पॉजिटिव होप, दैट इज वन होप दैट वन विल लुक एट इन टर्म्स ऑफ एनी पोटेंशियल रैली दैट माइट हैपन प्री बजट. चलिए, खैर 2016 में अगर हम इंडेक्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इससे तो अच्छा आप कहीं लॉटरी ले लेते हैं. हाँ, लॉटरी नहीं लेते, बैंक में एफडी कर देते, 8% तो मिल जाता कम से कम, कुछ तो कर ही लेते आप. लेकिन इस रिटर्न को तो बीट कर ही सकते थे जो अब तक हुआ है इस कैलेंडर ईयर में. लेकिन बिग बुल्स का क्या हुआ 2016 में?
ये बताने के लिए मनीष हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने कुछ डेटा निकाला है। मनीष बताइए। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से अगर पूरे पोर्टफोलियो को देखिए बीच बोल में अगर राकेश झुनझुनवाला साहब की रिटर्न बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, करीब 2% के आसपास का रिटर्न उन्होंने कमाया उनके पोर्टफोलियो ने। हालांकि उनके कुछ शेयरों का रिटर्न अगर देखेंगे तो 70% 72% तक देखने को मिला। सबसे पहले देखिए इस पूरे साल भर में उनके पोर्टफोलियो का कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। पूरे साल भर में उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है करीब 2% के आसपास का नेट गेन करेंगे, करोड़ों में 128 करोड़ का उन्होंने जो नेट गेन किया है अगर इस 2016 की बात करेंगे तो। लेकिन उनके कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिसने 2016 में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। इसमें जो पहला शेयर आता है स्कॉट्स आता है जिसने 2016 में करीब 77% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसके अलावा MCX दूसरा शेयर होगा जिसने जो है करीब 40% का रिटर्न जो है 2016 में बिग बुल के पोर्टफोलियो में दिया है। ज्योमेट्रिक और डेल्टा कॉप जैसे दो शेयर और भी हैं जिसने एक बेहतर रिटर्न दिया, करीब 34% से लेकर 35% का रिटर्न जो है इन दोनों शेयरों ने दिया है। इसके अलावा एपटेक और क्रिसिल, एपटेक इनफैक्ट वो प्रमोटर भी है, इसने इस कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया, जबकि क्रिसिल एक और शेयर है जिसमें उनको 11% की कमाई जो है 2016 में हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां छोटे निवेशकों को बाजार में नुकसान होता है, बिग बुल को भी कहीं ना कहीं बाजार में कुछ शेयरों में झटका लगा। इसमें जो पहला शेयर आता है TB3 आता है, इसमें इनको करीब 20% का जो है नुकसान हुआ, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इसके अलावा अरविंदो फार्मा, हमने देखा था फार्मा की सेहत इस साल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी, इस वजह से इनके पोर्टफोलियो में इस शेयर की वजह से थोड़ी सेहत बिगड़ी है। अरविंदो फार्मा में करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। एक और फार्मा शेयर जो उनका कहा जाए कि पसंदीदा शेयर लुपिन है, वहाँ भी करीब उनको जो है करीब 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। एग्री टेक फूड एक और शेयर होगा जहाँ पे 19% का उनको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। इसके अलावा FSIL और उनका एक डिपेंडेबल शेयर टाइटन है, वहाँ भी उनको करीब 8.5% के आसपास का झटका लगा। कमोबेश उनके पोर्टफोलियो में दो शेयर ने खासतौर पर लुपिन फार्मा, दो स्टॉक्स लुपिन और अरविंदो फार्मा ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब इनके पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों को देखिए जो उनको कह सकते हैं कि ये इनके सबसे डिपेंडेबल भरोसेमंद शेयर है जिसने हमेशा कुछ ना कुछ इनको बेहतर कमाई करके दी है। इसमें जो पहला शेयर आता है टाइटन जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, पिछले एक दशक से ज़्यादा यानी करीब 12 साल से ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, करीब 8% से ज़्यादा की इनकी इसमें होल्डिंग है। और ये एक शेयर है ऐसा है जो जिसने इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा अभी तक कमाई कराई है। लुपिन दूसरा शेयर होगा, इसमें करीब 1.5% से ज़्यादा की होल्डिंग करते हैं ये, 2005 से ज़्यादा इस शेयर में इनकी होल्डिंग है और 12 साल से शेयर में जो है अच्छा खासा रिटर्न शेयर में हमने देखा है कि देखने को मिला, 2005 से होल्डिंग करते हैं। इसके अलावा एक्टेक है, इसमें भी करीब एक चीज़ है, ये तो बिल्कुल तय है कि उन्होंने जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था उनको अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन असल में प्रॉब्लम 2016 से शुरू हुई थी। 2016 में राकेश झुनझुनवाला ने क्या खरीदा? 2016 में उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं जिसमें देखिए डाटामेटिक्स, बीते हमने कुछ दिनों में देखा था शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी और इसमें इन्होंने करीब 3 लाख के शेयर खरीदे, एक अच्छा खासा रिटर्न जो है इनको इस सेक्टर से शेयर से मिलता हुआ दिखा है। इनसे कैपिटल के जरिए जो है इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, करीब 3 करोड़ में इन्होंने खरीदारी करी है, इनसे कैपिटल में ये पार्टनर है। इसके अलावा मंदाना रिटेल है, ये दोनों कंपनियों में इन्होंने हाल में ही खरीदारी की है। डाटामेटिक्स में अभी हालांकि आज गिरावट है लेकिन बीते कुछ दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। मंदाना रिटेल में भी इन्होंने जो है करीब 12% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है, 28 लाख शेयर खरीदे हैं और ये वो कंपनी है जो बीइंग ह्यूमन का प्रोडक्ट बनाती है जिसको जो है सलमान खान इंडोर्स करते हैं। इसके अलावा NSE जिसकी अभी लिस्टिंग हुई नहीं है, IDRHP फाइल में भी देरी हुई है, किसी हफ्ते फाइल होना था पर वो देरी हो चुके, उसमें भी जो है IDBI बैंक के जो है 3% हिस्से हैं उसके लिए बोली लगाने में इंटरेस्टेड है। जो 3% की जो हिस्से की ये बोली लगाना चाहते हैं उसका वैल्यू जो है करीब 500 से लेकर 600 करोड़ के आसपास का है। तो दो एक्सचेंज, एक तो MCX में ऑलरेडी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, NSE में भी इनकी होल्डिंग हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। ठीक है, मनीष शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि देखिए 2-3 शेयर ऐसे हैं जो कि अभी भी आप थीम के हिसाब से चल सकते हैं। नताशा, इसमें एक तो मंदाना जो कि अभी डीमर्ज भी है, इन्होंने रिटेल बिजनेस को अलग किया है, और दूसरा डाटामेटिक्स जो कि कैशलेस बेनिफिशियरी शेयर बताया जा रहा है, इन दोनों में आपको भी इंटरेस्ट है क्या? As of now, we don't have these stocks under coverage. ठीक है विवेक, आप इसमें एक टेक्निकल व्यू बताएंगे कि डाटामेटिक्स और कितना चल सकता है क्योंकि अच्छा पैसा बना है कैशलेस बेनिफिशियरी के तौर पर, लेकिन और चलेगा क्या ये? डाटामेटिक्स का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लगता है और चल सकता है, एक अच्छा मूव और आ सकता है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि 145 तक के भी इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खैर, अब 7981 के आसपास निफ्टी जो टिका हुआ है यहाँ पर, उसको अब ये अगर इसी तरह की कोई क्लोजिंग ये दे देता है तो फिर
नताशा, ये साल खत्म होने के जो 5-6 दिन बाकी है ना, वो भी बहुत ज्यादा लगेंगे मार्केट के लिए। इसमें और कितना फिसल सकता है ये? यू डू थिंक कि मार्केट्स, क्योंकि कोई डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं है, इसके चलते जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में ही चलना चाहिए। लेकिन लोअर लेवल्स पे जो वैल्यूएशंस हैं, अगर आप 9% 10% भी ग्रोथ मानिए साल भर के हिसाब से, तो लोअर लेवल्स पे जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। मतलब अगर 3% के करीब अगर आप गिरावट देखें इवन इन निफ्टी, द फॉरवर्ड वैल्यूएशन एक्चुअली कम्स डाउन टू अबाउट 17.2 टाइम्स, अगर आप 9-10% का ग्रोथ माने, तो दैट लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, विच इज़ वाई आपको काफ़ी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन इसके अलावा जब तक कि कोई एक मेजर डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं आए जो कि बजट के फॉर्म में आ सकता है, होपफुली पॉलिसी अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं, तब तक जो है मार्केट्स को कंसोलिडेशन मोड में ही चलना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट मींस कि ओवर द नेक्स्ट 4-5 डेज वी वुड कंटिन्यू टू सी द प्रेशर। निपुण, इस बार बजट जो होगा उसमें रेलवे और आम बजट क्लब होके आ रहा है। मैं एक चीज़ आपसे यह जानना चाहता हूँ, अगर मैंने कुछ एक चीज़ें लेना चाहता हूँ या फिर ट्रेड लेना चाहता हूँ एक बार, तो कुछ एक एग्रीकल्चर के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह ज़्यादा दे दूँ? भले ठीक है, मेरे को इसके लिए कुछ थोड़ा फंड भी रेज करना पड़ेगा, ट्रेडर्स को वो कर भी सकता है क्या? ऐसा हम एक्सपेक्ट करें कि ये सेक्टर थोड़ा चलेगा? इलेक्शंस भी हैं, बजट भी है, सरकार ने नोटबंदी जैसा स्टेप भी ले रखा है, अब शायद दूसरा बड़ा स्टेप तो शायद लेने में एक बार सरकार को भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में अभी भी देखें तो जो एग्री केमिकल्स स्पेस है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। ऑन द वन साइड काफ़ी कंपनीज़ जो हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं और उसमें इम्पैक्ट नहीं आया है। ऑन द अदर हैंड कुछ कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करती हैं, उनका प्रेडोमिनेंट टर्नओवर, प्रेडोमिनेंटली रेवेन्यूज एक्सपोर्ट मार्केट में से जनरेट होता है, और उसमें तो डेफिनेटली इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो इफ़ यू लुक एट द एग्री स्पेस, आई थिंक येस देर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज टू सम एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन कंपनीज, वेरी सिलेक्टिवली एक या दो फर्टिलाइजर कंपनीज देख सकते हैं, उसमें भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्राइसिंग हमने बहुत मूवमेंट नहीं देखी है, बट वेरी सिलेक्टिवली देर कुड बी जस्ट प्रॉब्ली 1 or 2 ऑप्शन दैट आर देयर, बट आई थिंक विद इन द एग्री स्पेस एनी फर्दर फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स या फिर जो लिक्विडिटी मार्केट्स में जितनी जल्दी आती है उस पर जो एग्री स्पेंडिंग डिपेंडेंट कंपनीज हैं एंड विच कुड इंक्लूड लार्जली टू व्हीलर्स या फिर ट्रैक्टर्स, उसमें एक मूवमेंट आती है। लेकिन क्लियरली टिल यू सी, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल जो रूरल इकोनॉमी है उसको कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी माइग्रेट करने में डेफिनेटली समय लगेगा, और डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी हम इसमें विजिबिलिटी देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, आई थिंक द फर्स्ट माइंडसेट चेंज वुड कम अबाउट मोर इन द अर्बन स्पेस रादर देन द रूरल स्पेस। द चैलेंज दैट इज देयर इन द रूरल स्पेस ऑल्सो is the availability of smooth data services. Data services अभी भी वहाँ पे इतनी easily या इतनी smoothly available नहीं है, तो उसकी वजह से एक digital economy में migrate करना मुश्किल हो जाता है। So I think the agri space on the one side has its opportunities, but the larger opportunity will come about only when there is greater liquidity that comes within the system.